हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम जो है वो संपन्न हो चुका है। आज की इस क्लास के माध्यम से हम पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने सुंदर पिचाई, नीरज चोपड़ा, साइरस पूनावाला, जनरल बिपिन रावत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जनरल बिपिन रावत यहां पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन आपके सामने है पद्मा, संयोगिता, मूमल और कर्पूरी देवी। देखिए कर्पूरी देवी जो है वो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है संयोगिता यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने जयपुर, दौसा, स्वाई माधोपुर, करौली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों स्वाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। ऑप्शन आपके सामने पाली, अजमेर, टोंक और कोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पाली यहां पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो जनवरी 2023 में आपको पूछा गया है इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, इमरान खान था। लेकिन जनवरी 2023 की हम बात करें तो जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री कौन था, शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिले समूह में पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी या फिर सब जोत के लिए जानी जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी होती है दोस्तों, काली मिट्टी होती है। और ये किस एरिया में पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोटा बूंदी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनाया था। तो दोस्तों बात करें रणकपुर के जैन मंदिरों की, तो रणकपुर के जैन मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है, भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। और इस मंदिर का जो शिल्पकार है वो कौन था दोस्तों, देपाक। लेकिन ये बनवाया किसके द्वारा गया था, ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था राणा कुंभा के समय एक जैन व्यापारी हुआ करते थे जिसका नाम था धरना सहाय। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये आप सभी जानते हैं जैसलमेर क्या है, सबसे बड़ा जिला है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। एक और इजी सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, बेणेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खड़ताल निम्न में से क्या है। तो खड़ताल क्या है दोस्तों, नृत्य भी नहीं है, इसके अलावा राग भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाद्य यंत्र। खड़ताल क्या है, एक वाद्य यंत्र है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये रहा आपके सामने सूची 1 का सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए इसरदा बांध कहाँ पे है, इसरदा बांध है बनास नदी पे स्वाई माधोपुर में, पिचियाक बांध कहाँ पे है, जोधपुर में है, और सेई परियोजना कहाँ पे है, उदयपुर में है, छापरवाड़ा परियोजना है आपकी जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, हरारे, हैग, वाशिंगटन या फिर लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, हैग, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का कारखाना खोला गया है। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे हेलीकॉप्टर का कारखाना खोला गया है। ऑप्शन आपके सामने है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित। देखिए अरावली पर्वतमाला तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, अरावली जिला पूछा गया है। तो ये अरावली जिला जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल में। तो अरावली जिले की हम बात करें तो ये कहाँ पे है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। 67 साल बाद जम्बूरी लगी है राजस्थान में, और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है, रोहट में किया जाता है। और ये रोहट कहाँ पे है, पाली में है। कब किया जाता है दोस्तों, 4 से 10 जनवरी 2023 के बीच में जम्बूरी का आयोजन किया जाता है रोहट पाली में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत
किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा का साझा करता है, किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है भारत, तो ऑप्शन को देख करके इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए पाकिस्तान, बर्मा, चीन और बांग्लादेश, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद चीन के साथ बनाता है, बांग्लादेश के बाद किसके साथ बनाता है, चीन के साथ बनाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है, तो पाक जल डमरू मध्य किसके बीच है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत और म्यांमार, तो यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य जो है वो किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया था, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, संतूर वादक है, क्या है, संतूर वादक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ, किसका विलय राजस्थान में नहीं हुआ, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो जोधपुर का विलय भी हुआ है, मत्स्य संघ का भी हुआ है, सिरोही का भी हुआ है, किसका नहीं हुआ है, मेवात, मेवात उस समय क्या था, एक जिला था, इसका विलय नहीं हुआ है राजस्थान के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, दूधवा खारा की हम बात करें तो दूधवा खारा जो आंदोलन है वो कहाँ से संबंधित है, बीकानेर से, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है, आपूर्ति यहाँ पे पूछी गई है, किस खनिज की आपूर्ति राजस्थान 90% से भी ज्यादा करता है, ऑप्शन आपके सामने चांदी, तांबा, जिप्सम और लोहा, तो यहाँ पे किस खनिज की आपूर्ति राजस्थान सबसे ज्यादा करता है, जिप्सम, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, पीथल और पाथल किस कवि की रचना है, पाथल और पीथल की हम बात करें तो किसकी रचना है, देखिए पीथल और पाथल जो है वो किसकी रचना है, कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, आप सभी जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध कहाँ से है, असम से, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले जो गेंडे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, राइनो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइनो, इनके लिए प्रसिद्ध है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है, तो अग्निपथ के बारे में आप सभी जानते हैं, ये सेना में भर्ती होने की जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 या क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत का प्रथम 24x7 सौर ग्राम किसे घोषित किया गया है, तो सौर ग्राम की हम बात करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम जो है वो किसे घोषित किया गया है, तो ये होगा मोढ़ेरा गुजरात, मोढ़ेरा गांव गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य की विधानसभा ने देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय जो है वो तैयार किया है, ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और राजस्थान, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होने वाला है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये रहा आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन, गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर ओडिशा में, तो ये होगा दोस्तों झारखंड में, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की जो ऐप का नाम है वो ऐप कौन सी है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं ई दस्तावेज, डिजी डॉक्यूमेंट्स, डिजी लॉकर, डॉक्यूमेंट सुरक्षा, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 डिजी लॉकर यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है, मानगढ़ की यहाँ पे बात की गई है तो मानगढ़ धाम कहाँ पे है दोस्तों, बांसवाड़ा में है, कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की जो कप्तान है वो कौन थी, ऑप्शन आपके सामने है ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, मिताली राज, श्वेता सारस्वत,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सलादीपुरा, देखिए एक और गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सलादीपुरा कहाँ पे है? सीकर में। कौन से खनिज का उत्खनन यहाँ से किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं पाइराइट्स, बेराइट और फेल्सपार और लोहायस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों पाइराइट्स, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। फेल्सपार जो है वो कहाँ पे होता है? अजमेर में होता है। कहाँ पे होता है? अजमेर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? देखिए स्वाई जयसिंह जयपुर के शासक थे, कछवा वंश के शासक थे स्वाई जयसिंह। इनको मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी जाती है? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा, या फिर शाहजादा सुजा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सब ही गढ़ा शिरोमणि, अति ही ऊंचो जाण, अनड पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोदान। यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रणथंबोर, लोहागढ़, मेहरानगढ़ और भटनेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मेहरानगढ़ यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है? एक और एजिसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी? बनास, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन देखिए क्या दिए आपको, अशोक गहलोत, उषा शर्मा, कलराज मिश्र, कुलदीप रंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कलराज मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होगा? देखिए गोल्डन पीकॉक, फिल्म फेयर, ग्रेमी, गोल्डन ग्लोब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गोल्डन ग्लोब, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो अजमेर में जो दरगाह है वो किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो किसे उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? चार्ल्स तृतीय, ऋषि सुनक, लीज ट्रस और चार्ल्स द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, चार्ल्स द्वितीय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस स्थान से जियो की 5G सेवा जो है वो प्रारंभ की गई है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जयपुर, नाथद्वारा, उदयपुर या फिर झालावाड़ से। तो ये की गई दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद से। कहाँ से की गई है? नाथ द्वारा राजसमंद से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बूंदी में किसका शासन था? जो हाड़ा शासक है उनका शासन था बूंदी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बरसिंह हाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है वो कौन है? वर्तमान में भारत के जो CDS हैं वो आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एडमिरल करमवीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल विपिन रावत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं? देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की महिला राष्ट्रपति हैं, और ये इससे पहले कहाँ की राज्यपाल रह चुकी थी? द्रौपदी मुर्मू की हम बात करें तो ये कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं? झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता? तो देखिए कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान में होता है, गैर नृत्य भी होता है भील जनजाति के द्वारा, घूमर या घूमर भी होता है। इसके अलावा देखिए चौथा ऑप्शन जो है झूमर, ये कहाँ का नृत्य है? बिहार का है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की हम बात करें तो कौन थे? हीरा लाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। तो कब लगता है ये मेला? ये मेला लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसका जो वैदिक यंत्रालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था ये आपको पूछा है। एक इससे संबंधित ये भी आप याद रख सकते हैं, परोपकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में की जाती है महाराणा सज्जन सिंह के काल में। तो यहाँ पे देखिए वैदिक यंत्रालय जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये किया गया था दोस्तों अजमेर में, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो सूर्यास्त कहाँ होता है भारत में सबसे पहले, ये होता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा और कर्नाटक। तो यहाँ पे केरल जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जारवा जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? तो जारवा जनजाति भारत में कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना जो है वो किस वर्ष की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है 1971, 74, 1966 और 76। तो भारत राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना जो है वो कब की जाती है दोस्तों? 1974, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।